याद करो। इसराइल की संतान से हमने पक्का वचन लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करना, माँ बाप के साथ, नातेदारों के साथ, अनाथों और दीन दुखियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और जकात देना, मगर थोड़े लोगों के सिवा तुम सब इस वचन से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर तनिक याद करो, हमने तुमसे पक्का वचन लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और न एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसको स्वीकार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंधुओं की हत्या करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को बेघर बार कर देते हो, जुल्म और ज्यादती के साथ उनके विरुद्ध जत्थेबंदियां करते हो, और जब वे लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, जबकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि सांसारिक जीवन में भी अपमानित और तिरस्कृत होकर रहें और आखिरत यानी परलोक में कठोरतम यातना की ओर फेर दिए जाएं। अल्लाह उन कामों से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वे लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर सांसारिक जीवन खरीद लिया है, अतः ना इनकी सजा में कोई कमी होगी और ना इन्हें कोई सहायता पहुंच सकेगी।